तीज त्यौहार हो या कुछ मीठा खाना, झटपट बनाए आटे की एकदम नई सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड से तुसा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। गैस चलाकर पैन गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे एक कप चीनी, साथ में डालेंगे आधा कप पानी। चीनी का आधा पानी डालना है, एक कप हमने चीनी लिया है तो आधा कप पानी। साथ में डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ हमने मोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, बादाम और थोड़ा सा चिरौंजी लिया हुआ है, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल और साथ में डालेंगे 2 से 3 कुटी हुई हरी इलायची। एक बार चला देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ और इसे अच्छी तरह से मिलाकर घुला लेंगे। और जैसे ही एक उबाल आएगा, चीनी घुल जाएगी, गैस को बंद कर दीजिए और चाशनी को हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब चाशनी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसका हमें इस्तेमाल करना है। अब हम मिक्सी जार लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो ये नॉर्मल जो चक्की पर का आटा आता है वही हमने लिया हुआ है, आप पैकेट वाले आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी को हम आधा डालेंगे, पूरी नीट चाशनी नहीं डालेंगे, आधा चाशनी किनारे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी जार पर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 1 से 2 बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सूखा लग रहा है, बचा हुआ चाशनी इसमें डाल देंगे। तो जैसा हमने बोला कि इकट्ठा चाशनी हमें नहीं डालना है, आधा आधा करके डालना है। ढक्कन लगाकर जार पर इसे हम 1 से 2 बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। चम्मच से चला करके देख लेंगे, अगर मोटे मोटे लम्स और ढोके लग रहे हैं तो इसे हम थोड़ा सा और चला लेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसमें डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा कम सूखा गेहूं का आटा। और पैन को हमने आधा कप दूध से अच्छी तरह से धुल लिया है, यानी कि मिला लिया है, जो चीनी चिपका हुआ था दूध में आ गया है। थोड़ा सा दूध डालेंगे, इकट्ठा इसे भी नहीं डालेंगे। मिक्सी जार पर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का बैटर बन करके तैयार हो गया है। जो पैन में दूध बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इस तरीके से फेंट लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ढेर सारे मोटे मोटे ढोके हैं तो इसे 1 से 2 बार और ग्राइंड कर लीजिए। अब इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे। मिक्सी जार में ढेर सारा आटा चिपका हुआ है, थोड़ा सा दूध डालेंगे जो पैन में बचा हुआ है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से चला करके दोबारा से बैटर में डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट तक इस तरह से गोल गोल चलाते हुए फेंट लेंगे। फेंटना बहुत ज़रूरी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल एक लाइन से नीचे गिरते होना चाहिए। अब ढक्कन लगाकर इसे हम 10 मिनट तक फूलने के लिए किनारे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं आटे के ऊपर छोटे छोटे बुलबुले आ गए हैं। तो इसे हम कलछी से इस तरीके से 5 मिनट तक फेंट लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा और 1 से 2 बार अच्छी तरह से इसे हम चला लेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा सोडा डालने के बाद नहीं फेंटना है, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस चलाकर कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल को तेज आंच पर गर्म कर लिया, आँच धीमा कर देंगे और 1 कलछी बैटर को इस तरीके से ऊपर से हम डालेंगे। तो अगर हम बैटर को नीचे से डालेंगे तो ये रेसिपी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी बैटर को हम डालेंगे थोड़ी सी ऊपर से ऊंचाई पर से डालेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मालपुए बनेंगे काफ़ी फूले फूले बनेंगे। और इसके ऊपर हम इस तरह से कलछी से थोड़ा सा तेल छटक करके डाल देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। और इस तरीके से ये काफ़ी हद तक अच्छा सा फूल भी जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए नीचे से ये छोड़ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आपको लगे कि नीचे से छोड़ने लगा है, यानी कि थोड़ा सा कड़क हो गया, ये कड़ाही छोड़ने लगा है, तब इसे आप पलटिए। तो ये देखिए नीचे से छोड़ दिया, तो हम इसे पलट देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कलछी से हल्का हल्का इस तरीके से दबाते जाएंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए सेकते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही ये मालपुए फूल जाते हैं नीचे और ऊपर से, बीच वाला भाग जो है कच्चा रह जाता है। तो इस तरीके से आपको छनौटे से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसको उलाटते पलाटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। धीमी आंच पर करेंगे, तेज आंच पर डालेंगे, धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। अगर तेज आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये लाल हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरे बैटर को भी इस तरीके से, एक कलछी बैटर को हम इस तरीके से कढ़ाई में डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल के जगह पर देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और जैसे ही ये एक तरफ से फूल जाएगा इस तरीके से हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसी तरीके से छनौटे से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और इसी तरह से सारे बैटर का हम मालपुए बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे बैटर का मालपुए बनाकर तैयार कर लिया है। काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, यकीन मानिए। अंदर से बिल्कुल आपको गुलाब जामुन की तरह टेस्ट खाने में भी लगेगा और देखने में भी लगेगा। इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको अलग से कोई चाशनी में इसे नहीं डुबाना है और ना ही इसके ऊपर कटा हुआ मेवा डालना है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए तो थोड़ा सा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स या मेवे से भी डाल करके इसे सजा सकते हैं। लेकिन इसमें हमने कुछ अलग से नहीं डालना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमने अलग ही डाल करके साथ में पीस लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल रवादार है, यानी कि अगर आप इस तरीके से बनाते तो बिल्कुल आटे की तरह लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे यानी कि हल्का सा दबाते हुए इसे सेकेंगे तो बिल्कुल आटा ये रवादार आपको दिखेगा। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी टेस्टी रेसिपी बनती है। और इस रेसिपी को यानी कि इस मालपुए को बनाने के बाद आप हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता है, बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।